हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जिस गुड न्यूज़ का डीसी फैंस को इंतज़ार था वो न्यूज़ आ चुकी है। जी हाँ गाइस, एक्टर्स की जो स्ट्राइक चल रही थी हॉलीवुड में वो एंड हो चुकी है, रिजॉल्व हो चुकी है। यानी कि अब स्टूडियोज़ की तरफ से ऑफिशियल न्यूज़, ऑफिशियल कन्फर्मेशन आ सकती हैं, क्योंकि अब एक्टर्स की स्ट्राइक खत्म हो चुकी है। और जैसे ही ये स्ट्राइक खत्म हुई, तुरंत एक बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया डीसी यूनिवर्स से रिलेटेड। सुपरमैन लेगेसी, जो हम जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा डीसी यूनिवर्स का, एक नया लाइव एक्शन सुपरमैन हमको मिलने वाला है। तो तुरंत ये खबर निकल के आ गई कि नेक्स्ट ईयर मार्च से सुपरमैन लेगेसी की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी नेक्स्ट ईयर मार्च से गाइस सुपरमैन लेगेसी की फिल्मिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये जो मंथ्स आने वाले हैं, इन्हीं में हमें बाकी जो कास्टिंग न्यूज़ हैं इस मूवी से रिलेटेड, कि लेक्स लुथोर कौन प्ले कर रहा है और बाकी विलन कौन होगा इस मूवी में, मेन विलन और बाकी एक्टर्स कौन कौन से रहेंगे इस फिल्म में, ये पूरी न्यूज़ अब हमको मिलने लगेंगी। एक और चीज़ गाइज, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मार्च में इसकी फिल्मिंग स्टार्ट हो रही है और हम ऑलरेडी जानते हैं जोकर 2 अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली है। जोकर का फर्स्ट पार्ट बहुत बड़ा सक्सेस रहा था, सेकेंड पार्ट की भी बहुत ज़्यादा हाइप है। तो अगर डीसी फैंस की किस्मत अच्छी रही तो मे बी नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक हमें सुपरमैन लेगेसी का एक छोटा सा टीज़र या स्नीक पीक भी मिल सकता है। तो देखते हैं आने वाले मंथ्स में क्या क्या अपडेट्स निकल के आती हैं डीसी यूनिवर्स से। सुपरमैन लेगेसी के अलावा भी जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड भी अपडेट निकल के आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो मैं एक्साइटेड हूँ वो द अथॉरिटी की जो मूवी आने वाली है उसकी कास्टिंग को लेके, कि कौन से एक्टर उसमें रहेंगे, प्लस लेक्स लुथोर कौन प्ले करेगा सुपरमैन लेगेसी में। हम ऑलरेडी जानते हैं लेक्स लुथोर सुपरमैन लेगेसी में अपीयर तो होगा, लेकिन वो मेन विलन नहीं होगा, मेन विलन शायद कोई और रहेगा। सेम चीज़ जो रॉबर्ट पैटिंसन के बैटमैन मूवी में थी, कि जोकर एग्जिस्ट तो करता था उस यूनिवर्स में लेकिन वो मेन विलन नहीं था, मेन विलन रिडलर था। तो देखते हैं लेक्स लुथोर का रोल कौन प्ले करेगा, क्योंकि आप जानते हैं लेक्स लुथोर एक बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक रोल है और एक काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहेगी जिस भी एक्टर को ये रोल दिया जाएगा। तो देखते हैं लेक्स लुथोर कौन प्ले करता है। और गाइज, जो हमारे एक्टर हैं डेविड कॉर्नस्वेट, आपको याद ही होगा जब इनको कास्ट किया गया था कि ये सुपरमैन प्ले करेंगे, तो आप जानते हैं डीसी हिटर्स और सच्चे डीसी फैंस और जितने भी स्कूपर्स हैं उन्होंने हेट फैलाना शुरू किया कि ये कैसा सुपरमैन है, इसके तो बॉडी ही नहीं है, ये क्या सुपरमैन बनेगा। तो शायद इन डीसी हिटर्स और सच्चे डीसी फैंस ने जिम का नाम नहीं सुना, इनको शायद ये नहीं पता कि जिम जैसी भी कोई चीज़ होती है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डेविड कॉर्नस्वेट मसल्स जब बिल्डअप करेंगे और जब इनका सूट रिवील किया जाएगा तो देखते हैं कि कैसा सूट रहता है जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स का। और शायद आप में से बहुत से लोग ये जानते भी होंगे कि डेविड कॉर्नस्वेट टॉलेस्ट एक्टर हैं जो सुपरमैन प्ले करने जा रहे हैं। आई थिंक 6 फीट 4 इंचज इनकी हाइट है। क्रिस्टोफर रीव की भी इतनी ही अराउंड हाइट थी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा सा हाइट ज़्यादा है डेविड कॉर्नस्वेट की, यानी 6 फीट 4 इंचज इनकी हाइट है। और जब ये सूट पहनेंगे सुपरमैन का, तो आप जानते हैं शूज़ में सोल भी रहती है अराउंड 1 इंच या 1 इंच से थोड़ा सा कम, तो बहुत ही ज़्यादा कहें तो जैसे होता है ना लाइक अ माउंटेन, वैसे एकदम ये लगेंगे एज अ सुपरमैन। और ब्रेंडन राउत गाइस जो हमारे थे जिन्होंने सुपरमैन रिटर्न्स में प्ले किया था, उनकी हाइट भी बहुत अच्छी थी 6 फीट 3 इंचज। और हेनरी कैवल जिन्होंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में प्ले किया था, उनकी हाइट भी 6 फीट के ऊपर थी, अराउंड 6 फीट 1 इंच उनकी हाइट थी। तो जितने भी सुपरमैन एक्टर रहे वो 6 फीट के ऊपर ही रहे, लेकिन डेविड कॉर्नस्वेट टॉलेस्ट सुपरमैन एक्टर हैं। देखना होगा सूट कब रिवील होगा और बाकी न्यूज़ कब आएंगी। बहरहाल गुड न्यूज़ ये निकल के आ गई है कि सुपरमैन लेगेसी की फिल्मिंग मार्च में स्टार्ट हो सकती है नेक्स्ट ईयर। डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।